तो गाइस दिस इज फाइनल लुक, आई होप आपको लुक पसंद आया होगा। और अगर आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे देखेंगे तो आप जैसे जैसे मैंने किया है सेम टू सेम वैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसको ब्लैक साड़ी पे ये आई लुक आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हुआ है। और ये मैंने स्पेशली हुडेड आइज़ के लिए क्रिएट किया है, क्योंकि हुडेड आइज़ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आई शेडो क्रिएट करना हुडेड आइज़ पे। और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, अब तो खैर मैं आदत पड़ गई है, पर पहले होती थी, तो उसी तरह आप कई सारी प्रिटी लवली लेडीज़ को भी प्रॉब्लम होती होगी जिनकी हुडेड आइज़ हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और सीखें कि हुडेड आइज़ पे हम कैसे मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं और हम भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं, मेकअप में प्रो हो सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, देखते रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए और खुश रहिए, खैरियत से रहिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर दोनों को मिक्स किया है अच्छे से, और अपने फेस पे स्प्रेड करके अच्छे से मसाज किया है। आप देख सकते हैं इससे मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो हमारी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है, और दूसरी जो भी एज रिंकल्स आते हैं, जो भी एजिंग साइन आते हैं, वो सब नहीं आते, आपका फेस ग्लो करने लगता है बेस बनने के पहले ही। और उसके बाद मैंने प्राइमर लिया है, और आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने अंडर आई पर प्रेस करके लगाया है, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी मुझे स्वेटिंग होती है वहाँ वहाँ मैंने उसको प्लेस कर दिया है, और डैप डैप करके उंगलियों से प्रेस करके। और ये रेड कलर की लिपस्टिक है, अगर आपके पास कलर कैरेक्टर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। इससे मैंने अपने डार्क सर्कल्स को कंसील करने की कोशिश करी है, और उसके बाद जहाँ जहाँ भी मेरे पिगमेंटेशन है चिन एरिया में, आईलिड पे, अंडर आई, और ज़्यादातर तो चिन एरिया में ही है मेरे, तो उसको मैंने अच्छे से रेड लिपस्टिक से पहले कवर अप किया है, और उसी जगह पर मैं फिर कंसीलर भी यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब कितने अच्छे से हो गया है सब। और अगर आप गाइज ये स्किप करना चाहते हैं, अगर आपकी स्किन फ्लॉलेस है, इवन टोन है, कोई पिगमेंटेशन नहीं है, तो आप ये कलर कैरेक्टर वाला स्किप कर सकते हैं प्रोसेस, और सीधे आप फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाएं। क्योंकि मेरे स्किन पे बहुत पिगमेंटेशन है, इसलिए मुझे कलर कैरेक्टर यूज करना पड़ता है, और उसके बाद मैं अगर फाउंडेशन लगा लूँगी तो वो मिक्स हो जाएगा, इसलिए मुझे पहले कंसीलर यूज करती हूँ मैं, और बाद में मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने पोर्स से, फिंगर पोर्स से उसको अच्छे से स्प्रेड किया है थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डैप डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ, जिससे कि इवन टोन हो जाए और फेस अच्छा लगे। और इससे एक फ़ायदा और होता है कि मेकअप आपका काला नहीं होता है, ग्रे नहीं पड़ता है, जब भी आप धूप में भी जाते हैं तो भी, और नहीं तो ऐसे अगर आप कलर कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होता है और वो ग्रे से या ब्लैक लगने लगता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पैची हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस उस चीज़ को बचाने के लिए होते हैं। और अभी ये फाउंडेशन लिया है मैंने, डॉट डॉट आप देख सकते हैं, पहले मैंने फिंगर से लगाया डॉट डॉट करके, और उसके बाद मैंने उसको फिंगर से ही स्प्रेड किया है थोड़ा थोड़ा, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैं उसको भी ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और ये लॉक कर रही हूँ मैं फेस पाउडर के थ्रू, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप लूज़ पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पाउडर लगाने के बाद फिर से ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है, जिससे कि जो भी एक्सेस पाउडर अगर फेस पे आ गया है तो वो ब्यूटी ब्लेंडर सोक कर लेगा और फेस अच्छा हो जाएगा। और ये ब्राउज को क्लियर कर रही हूँ मैं, तो ब्राउन और ब्लैक एज यूजुअल आई शेडोज लिए हैं मैंने, और दोनों को मिक्स करके मैं अपने ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ। मैं कोई भी आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ नहीं करी हूँ, आप देख सकते हैं, बस जो है उसी को मैं अच्छे से फिल इन कर रही हूँ, जिससे कि एक नेचुरल लुक आए। और उसके बाद स्पूली की हेल्प से उसके हेयर को कॉम कर रही हूँ, जिससे कि वो सेट हो जाए अच्छे से, और आप देखिए कितना अच्छा हो गया। और अब ये मैं आईज को कंसील कर रही हूँ, मतलब मैंने कंसीलर लगाया था पहले, लेकिन फिर भी जब भी आप आई शेडो करिए तो आप अपने आईज को एक बार ज़रूर कंसील कर लीजिए जो पैलेट में मिलता है आपको, इससे और अच्छा लुक आता है निकल के। और आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने अपने स्किन से 1 से 2 डार्कर शेड ब्राउन कलर मैंने लिया है, और उससे मैं अपनी क्रीज बिल्डअप कर रही हूँ। और क्रीज आप देख सकते हैं कि मेरी आईज हुडेड आईज है, मेरी क्रीज बहुत छोटी है और जो बिल्कुल फोल्ड हो जाती है अंदर, तो मेरा जो आई शेडो है वो दिखता नहीं है, विजुअल नहीं होता है, तो उसके लिए मुझे एक फेक क्रीज बनानी है।
जो कि आपको सीधे देखते हुए, जब आप सीधे देखिए, जैसे मैं देख रही हूँ सीधा, जहाँ पे मेरी आईज फोल्ड हो रही है जस्ट उसके ऊपर आप ब्रश रखेंगे और अपने सॉकेट को फील करके एक हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप। वही होती है आपकी फेक क्रीज, एक इल्यूज़न क्रिएट होता है आपकी आईज़ में जिससे कि आपकी आईज़ बड़ी लगने लगती है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी क्रीज कितनी छोटी थी और इतनी बड़ी हो गई। उसके बाद मैंने उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन लिया है जिसको मैंने दोबारा उसी जगह पर प्लेस किया है और अच्छे से ब्लेंड किया है, और उसके बाद मैंने ब्लैक कलर लिया है जिसको मैं आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं क्रीज एरिया में भी ले जा रही हूँ। आप देख सकते हैं पहले मैंने आउटर वी पे प्लेस किया है क्योंकि मुझे उसको ज़्यादा डीपन करना है आउटर वी को, और उसके बाद मैं उसको धीरे धीरे क्रीज एरिया में भी ले जाऊंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ब्राउन आपने पहले लगाया है ब्लैक को उसके नीचे नीचे ही रखिएगा, उसके ऊपर नहीं जाना है क्योंकि वो आपकी लाइन है, क्रॉस लाइन है जो आप क्रीज के लिए आपने इल्यूज़न क्रिएट किया है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका आई लुक ख़राब हो सकता है। तो अब ये मैं सिल्वर और ग्रेस टाइप का शिमरी शेड है जिसको मैं अपने इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ, इनर थर्ड एरिया में लगा रही हूँ, और बाद में उसको मैंने ब्लैक से जो भी एज बने हुए एजेज हैं वो उसको मैं क्लियर कर रही हूँ, जहाँ पे एक लाइन सा बन रहा है जो पहले मैंने कलर लगाया था उसको ब्लैक लगा के, और उसको हल्का सा मैं डिफ्यूज कर रही हूँ कि वो ब्लेंडेड लगे, बिल्कुल लाइन जैसा ना दिखे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। और धीरे धीरे मैं पहले उस लाइन को डिफ्यूज की हूँ और उसके बाद मैंने उंगलियों से ब्लेंड किया है, और उसके बाद आप एक क्लीन ब्रश लेके जो भी आपका क्रीज एरिया है जहाँ पे आपने आई शेडो प्लेस किया था वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, तो उसको आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे, ब्लेंड कर देंगे, जिससे कि वो बहुत ही अच्छा लुक आएगा, ब्लेंडेड लुक आएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ गया है, ये नहीं लगेगा कि आपने अलग से कुछ कलर वहाँ पर रखा हुआ है। और ये नीचे भी लोअर लेस लाइन पर भी मैं वही ब्राउन लगा रही हूँ, पहले मैंने लाइट और डार्क दोनों ब्राउन को मिक्स करके लगाया है, और अब मैं ब्लैक लगाऊंगी जो सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर की तरफ ज़्यादा प्लेस करूंगी, उसको फोकस उधर ही रहेगा जिससे कि मेरी आंखें अच्छी लगें, बड़ी लगें। तो अभी ब्लैक लिया है मैंने और उसको मैं ऊपर विंग से भी कनेक्ट कर रही हूँ, आउटर वी से कनेक्ट किया है मैंने, जिससे कि एक लुक कंप्लीट हो जाए, अच्छा लगे। ये ब्लैक है जिसको मैं कॉर्नर पर ही ज़्यादा यूज कर रही हूँ, और उसके बाद मैं जो भी लेफ्ट ओवर है ब्रश में वही मैं इनर कॉर्नर की तरफ लेके आ रही हूँ, और ये लाइनर यूज कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं मैं बहुत पतला लाइनर यूज करती हूँ क्योंकि मेरी वही हुडेड आईज़ है तो मेरी ज़्यादा क्रीज जो होते फोल्ड हो जाती है, तो अगर मैं बहुत मोटा लगा लूँगी तो वो फोल्ड के अंदर चला जाएगा और बाकी थोड़ी देर बाद वो जो भी आई शेडो मैंने ऊपर लगाया उसको भी मेसी कर देगा, वहाँ पे भी उसके पैचेज आ जाएंगे ब्लैक ब्लैक, तो इसलिए मैं बहुत पतला लगाती हूँ कि जो अंदर फोल्ड में ना जाए। और अगर आपकी क्रीज बड़ी है तो आप मोटा लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने धीरे धीरे उसको क्लीन किया है, अच्छे से मिक्स किया है, और एक पतली सी लाइन बनाई है मैंने, और मैंने कोई भी विंग नहीं निकाला है क्योंकि मेरे आईज पे विंग अच्छा नहीं लगता है। और ये काजल लगा रही हूँ मैं वाटर लाइन पर, लोअर वाटर लाइन पर, और अपर वाटर लाइन पर भी मैं उसी काजल को लगा रही हूँ, जिससे कि जब भी जैसे आप जब आईज अपनी खोलते हैं तो वो दिखने लगता है वाइट वाइट, तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कंप्लीट करने के लिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए प्रोसेस। और ये कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं। कॉन्टोरिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको कई बार बताया है कि बस 3 ड्रॉ करना है आपको, अपने ब्राउज के ऊपर से लेके आप ईयर के कॉर्नर पे जाएंगे और एक लाइन जैसा निकालेंगे, और हमेशा ये ध्यान रखिए जब आप सामने देखते हैं तो जो फेस आपका सामने दिख रहा है शीशे में आपको उसके पीछे ही रखना है, जो भी कॉन्टोर लाइन है उसको पीछे ही रखना है। बहुत लोग चीक्स के आगे तक लेके आ जाते हैं, देखिए आप देख सकते हैं जितना मेरा सामने दिख रहा है मैं बस वहीं तक उस लाइन को रख रही हूँ, और ये अपने नोज की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं। ब्रश को बिल्कुल पतला करके मैंने, और बिल्कुल ब्रिज के थोड़ा थोड़ा इधर, मतलब दोनों तरफ एकदम पतली सी एक आप देख सकते हैं लाइन बनाई है मैंने, जैसे आप वन बनाते हैं, और उसको फिर मैंने उंगलियों से ही डिफ्यूज कर दिया है वहाँ पे। अगर ब्रश से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ब्रश से थोड़ा सा फैल जाता है तो आपकी नाक पतली होने की बजाय और मोटी लगने लगती है,
तो बस उंगलियों से ही मैंने उसको डिफ्यूज किया और आप देख सकते कितनी शार्पनेस आ गई है मेरी नोज में। और ये ब्लश यूज कर रही हूँ मैं एपल ऑफ द चीक्स पर। सबसे पहले हल्का सा स्माइल करिए और जहाँ भी आपके जो भी उभार हैं एप्पल जो भी आता है बनता है बस उस पर आपको लिखे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है जिससे कि आपका फेस लिफ्टेड लगेगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि बहुत कॉन्टोर जहाँ आपने किया है आप उसके ऊपर ना करें, नहीं तो वो बाद में काला लगने लगता है। और जो भी लेफ्ट ओवर बचा है मेरे ब्रश में उसको मैंने हल्का सा अपने नोज के टिप पर भी ब्रश लगाया था जिससे कि एक नेचुरल रेडीनेस आ जाती है, अच्छा लगता है वो। और अब थोड़ा थोड़ा फॉरहेड पर भी मैंने यूज किया है वही जो लेफ्ट ओवर बचा है जिससे कि एक नेचुरल लुक आता है आपके फेस में। और दूसरे चीक्स पर भी मैंने क्लियर किया है। और ये मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ चिन पे, क्यूपिड बो पे और ब्रिज ऑफ द नोज पे भी मैंने लगाया। और ये लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ मैं, उसके पहले मैंने लिप को अच्छे से लाइन किया है पेंसिल ब्रश लेके, सॉरी लिप लाइनर ब्रश लेके। और आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी फेक लाइन क्रिएट नहीं करी है, जो मेरा नेचुरल लाइन है मैंने उसी को गाइडलाइन लिया है। और सबसे पहले जैसे जैसे मैं बना रही हूँ एक एक्स बना के और उसको दोनों तरफ आपको ले जाना है। और फिर क्योंकि गाइस जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी आपके जो लिप्स हैं वो फुलर लगेंगे। अगर आप बिल्कुल लिपस्टिक लेके और ऐसे लगा देंगे तो आपके लिप्स कभी भी फुलर नहीं लगेंगे और वो अच्छा नहीं आएगा लुक। तो आप देख सकते हैं नीचे भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और अगर आप अपने लिप्स को ऐसे अंदर की तरफ थोड़ा सा बंद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा शेप क्रिएट करना और वो लिप्स भी आपके बहुत ही अच्छे लगेंगे। और उसके बाद मैंने उसी पिंक से ही मैंने उसको फिलिंग किया है। और उसके बाद मैं रेड कॉर्नर पे दोनों तरफ की कॉर्नर पे मैं रेड लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ना रेड चाहिए था ना पिंक चाहिए था, मुझे मिक्स कलर चाहिए था जिसमें रेड भी रहे और पिंक भी रहे। तो बीच में पिंक ही है, मैंने उसको नहीं टच किया है, बस मैं कॉर्नर पे रेड कलर की लिपस्टिक फिर से लगा रही हूँ। और उसको मैंने उंगलियों से डैप डैप करके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है जिससे कि पैचनेस न आए मेरे लिपस्टिक में। और इस तरह गाइज आप कोई भी कलर बना सकते हैं जैसे आपको जो मन कर रहा हो। कभी कभी क्या होता है हमें कोई कलर यूज करने का मन करता है और वो हम। हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं नीतू सिंह और फिर आपके सामने हूँ एक नए लुक के साथ। और आज का लुक बहुत ही अच्छा हुआ है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा क्योंकि आप देखेंगे कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उसके पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम नीतू सिंह है और मेरे चैनल का नाम है नीतू लाइफ केयर। और अगर आप मुझे पहले से जानते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आई होप आज न्यू वालों के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने नियर एंड डियर को शेयर करिए और टू लाइक शेयर कमेंट्स एंड ऑल दैट, जो भी एक यूट्यूबर की ज़रूरत होती है अपने व्यूवर्स से वो सब मुझे चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। और क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसलिए मैं हद से आपसे कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी करिए।